भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको ओम श्री साई राम। बहुत समय पहले एक राजा था। वो राजा के मन में दो प्रश्न थे जिनके उत्तर वो ढूंढता रहता था। जो भी विद्वान या ऋषि मुनि उसके दरबार में आते वो उनसे उन प्रश्नों को करता और जवाब मांगता, लेकिन राजा को उनसे उन प्रश्नों का जवाब नहीं मिल सका। एक दिन दुश्मन की सेना को खदेड़ता हुआ वो बहुत अंदर जंगल तक निकल गया और अपनी सेना से बिछड़ गया। उसको प्यास भी बहुत लगी थी, पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। राजा उत्सुकतावश उस कुटिया तक गया। जैसे ही वो उस कुटिया के निकट पहुंचा, एक बूढ़े से ऋषि ने हाथ जोड़कर राजा को नमस्कार किया और प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। राजा को उस ऋषि ने एक आसन दिया और बैठने के लिए कहा। अभी राजा आसन पर पूरी तरह से बैठे भी नहीं थे कि वो ऋषि राजा के लिए शीतल जल ले आए। राजा ने जल ग्रहण किया और आराम करने लगे। आराम करते करते राजा के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इन ऋषि से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछूं, क्या पता ये मुझे जवाब दे दें। राजा ने ऋषि के आगे हाथ जोड़े और कहा कि हे मुनिवर, मेरे मन में एक दुविधा है। मेरे मन में दो प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं बहुत समय से ढूंढ रहा हूं, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। मुनिवर ने कहा कि हे राजन, मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है। तब राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मेरा पहला प्रश्न है कि सबसे उत्तम सेवा कौन सी है। मुनिवर ने राजा की तरफ देखा और मुस्कुराए और कहा कि हे राजन, किसी प्यासे को पानी पिलाना ही सबसे उत्तम सेवा है। तब राजा ने मुनिवर से दूसरा प्रश्न किया कि हे मुनिवर, उस सेवा को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। उस ऋषि ने जवाब दिया कि हे राजन, जब एक प्यासा भटकता भटकता दूर से तुम्हारे पास पहुंचे, वही उत्तम समय है उसकी सेवा करने का। राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए और राजा की समझ में आ गया कि सेवा का मूल्यांकन उसकी कीमत या उसकी लोकप्रियता से नहीं, बल्कि मांगने वाले की जरूरत और सेवा करने वाले के भाव से की जाती है। दोस्तों, आज हम चलते हैं दिल्ली NCR के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट और मिलते हैं ऐसे ही कुछ साई सेवकों से जिन्होंने निष्काम सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। निष्काम भाव से सारी उम्र वो सेवा में जुटे हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं हम श्री धर्मपाल खन्ना जी से, जिनको प्यार से खन्ना अंकल भी कहते हैं। खन्ना अंकल ने अपने जीवन की शुरुआत रेलवे में सिक्योरिटी ऑफिसर से करी और अपनी ईमानदारी और कर्म निष्ठा की वजह से सतर्कता निर्देशक के पद तक पहुंचे और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। पिछले 35 वर्ष से वो सत्य साई सेवा संगठन में सेवा दल में सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं और भगवान की आसीन कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया। धर्मपाल खन्ना अंकल फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आइए तो मुलाकात करते हैं खन्ना अंकल से और सुनते हैं उनके अनुभव। ओम साई राम। भगवान ने मुझे 35 साल सेवा करने का अवसर दिया। तो जब बाबा का 70th बर्थडे था तो मैं उस वक़्त रहना सिविल का इंचार्ज था, तो उस वक़्त 5 दिन के लिए फ्री खाना ब्रेकफास्ट बाबा ने अरेंज किया हुआ था और एक सिविल कमेटी बनाई गई जिसमें चेयरमैन थे स्टेट प्रेजिडेंट बंगाल के और वाइस चांसलर मुझे उन्होंने बना दिया और सारी क्रिकेटिंग अपना सिक्योरिटी ऑफिसर
even they were put under us. We have to deploy the several deployment at every point on 21st evening. The in charge of Gujarat Sevadal, he came to me, "Sir, tomorrow I want at least 250 Sevadals." Rana was in charge for serving free food for 5 days. We have put very big stalls. Then I told him, "Kabhi, what is the problem?" "Then, sir, it is very difficult to control the line, to put the entrance of the Sevadal into the Pandar for the food service. But don't worry. On 23rd, we will start distribution of food right from 1 in the morning when the devotees start assembling in the stadium. And we will serve tea, breakfast, after 8, lunch, all the items, 24 hours. The experiment was very useful and everything was first class till midnight of 23rd. Then Baba was sitting along with the all dear president and the secretary of the ashram. Then Baba told them, "Food number one, Rana number one." In the morning, the all dear president, he told of our state president, "By Dr. Ram Jadar, Baba ne kaha hai, food number one, Rana number one." He called me. This is the compliment sent to us by Baba. And then, sir, let us try for chance first tomorrow or morning. Then, all right, we will go to the all dependent. We requested him, because nonsense. You don't know that during Baba's birthday celebration, no chance first. I again requested. Sir, Baba has given compliments to us this Sunday. No? "Can I have you read the Gita?" I told, "Sir, I have read Gita many times, thousand times." Then what you have read? "Ke karam karo, phal ka apna ummeed karo." "Main, sir, main phal nahi maang raha. Main to sirf अपने सेवा दल के लिए आशीर्वाद मांग रहा हूँ." "No, not possible. Please go away." Then I told my state president, "Let us go to the secretary," because he was also sitting there. The moment we entered the secretary's office, he said, "Oh, Ram Chandar, Baba has praised you. Hanana number one, food number one. Sir, I requested, sir, give us chance most today." Then, okay. He wrote a slip to the Shah, who was in charge of the mandir, a chance motion to Hara today evening. We went to him. "Can you have seen the whole hall is full? All the roads are full, even the Ganesh temple and the crossing full of, there is no place. Kya baat karta hai aap log? Kya baat karta hai?" "Abhi kaha sir, aisa hai, aisa." No. Then I told him, "Sir, safety told us that I could not sleep for 5 years. Then I am going to my residence, take sleeping pills. Then I will take rest." "Because now you are refusing us, we will go to secretary, then he will get put out." "Then all right, how many you are?" "Went 250.
then 250 by yes. This is the row of the sick people. Five rows, four rows. Can you accommodate? We will start do it. We took away the chairs. I got on my shoulders. Given the wall, one line with four sevadas on the left. Second line, three sevadas each. And second line, two sevadas. And on first line, we will sit. You will be pleased to know at 3 p.m. when Baba came in his veranda, he rushed towards us. He was very, very happy, laughing. Dega. Then he ordered the altar pendant, arranged prasad, and after the darshanas, make them very comfortable. Then we were made to sit comfortably. Then Baba came to me. I said, Swami, meri shakti theek thak rahe. Baba, just hold my hand from with his both hands. Shakti, shakti, main jaisa Baba shakti. Shakti, main jaisa Baba shakti. Then my statement was sitting in the bank with let Baba go away. Okay. Then after my return from Faridabad, this nail had become blue and dark yellow. So I went to the surgeon. He had told me it is a skin disease. You have to take medicines for 6 months and apply medicines. There's a poison. When I returned, my grandchildren had to wait here. My wife told to be this medicine is have poison. What has happened to your nail? When I saw my nail, it was all clear. This was just a touch of Baba. I was healed, death of my wife. I got a brain hemorrhage and admitted in the hospital. When my son came from Modabo, he asked the doctor, Sir, how much time it will take? Then he told, Mr., in brain hemorrhage, 90% people, they die. Only 10% survive. You just pray, he should be here. I could not speak. I could not move any. Expect hearing some voices. After 10 days, the word Om Sai came to my lips. Then the whole night I practiced Om Sai Ram. Then in the morning, doctor came. I said, Dr. Saab, Om Sai Ram, I'm Dharam Pal Khanda. Everybody was perplexed. He's speaking. And then with the grace of Baba, I was cured. I was in the hospital for about 25 days. And in the hospital, as a district president, I have been controlling all the affairs of the district. There are so many miracles I have witnessed with my Baba. For 35 years, every time when I returned from the Seva, Baba always blessed me something very present on my return. So my request to you all, please don't miss Seva at Bhagwan Baba's abode. He always rewards you. I have
visited us many times. Time is very short. Once I was late for Sevala. At that time, they used to be 15 days Seva. On account of some problem of the my own job, I was late. I arrived Puttaparthi late. The orders were for those devotees, Sevadars who come after 5 days, they will not put on the Seva. So I obeyed those orders, just put my name. I said, I will not do Seva because I am late. So I was waiting to attend, enter hall for bhajan in the morning. When I was in the line to enter the hall, Baba all of a sudden came. The Sevadar said, Bacho. Baba came to me. He said, stand up. He just three times Shirvan. Then three times he embraced me. Because Baba knew this man has been doing Seva regularly. This time he has failed, but this is horrible. I can't explain, but Baba ke jo, I always take Bhagwan Baba as a super god. He knows everything. There are so many incidents when the people never thought Baba knows. He knew. Sign off. Hum Bhagwan Baba se Khanna Uncle ki dirgh aur swasth aayu ki prarthna karte hain. Aur aaiye ab aage badhte hain. Dosto, seva ke liye bahut zaruri hai भगवान में अटूट विश्वास होना, यानी हमारी सेवा रूपी भवन की नींव अटूट विश्वास है। और जब हम अटूट विश्वास के साथ सेवा करते हैं और अपनी राह में आई हुई परेशानियों को परवाह नहीं करते, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऐसा ही कुछ सोचना है हमारी अगली साई सेविका श्रीमती हेमलता सिंह जी का। श्रीमती हेमलता सिंह 1992 से एक सक्रिय सेवा दल सदस्य के रूप में श्री सत्य साई सेवा संगठन से जुड़ी हुई हैं और सेवा कर रही हैं। वो सदा ही दूसरों की मदद और सेवा करने के लिए तैयार रहती हैं। आइए तो मिलते हैं श्रीमती हेमलता सिंह से और सुनते हैं उनके अनुभव। हाँ, श्रीमती हेमलता सिंह फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट सेवा दल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आइए तो उनसे मुलाकात करते हैं। बाबा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं हेमलता सिंह बोल रही हूँ। ये सन 90 की बात है जब मैंने मेरी कॉलोनी में भजन होता था। सर्वप्रथम मैंने साई का नाम जब ही सुना था कि कोई सत्य साई बाबा हैं जो भगवान हैं। जब वो भजन में मुझे बुलाती थी मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मैं यही सोचती थी साई 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 कौन है। रामकृष्ण तो भगवान है, शंकर भगवान है, माता है, साई कहाँ से आ गए। तो फिर वो मुझे हमेशा बुलाती थी। एक बार उन्होंने थोड़ा ज़्यादा कंपेल किया तो मैं गई। जब मैंने भजन सुना तो भजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें हर एक भजन में राम का भजन है तो साई जोड़ देती थी, कृष्ण का भजन है तो साई जोड़ देती थी। मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा, कुछ हर भजन को खराब कर देती हैं। मुझे माइंड में यही रहता था कि हर भजन को खराब कर देती हैं। भजन समाप्त हुआ तो मैंने उनसे कहा, क्या है, अगर तुम्हें साई का भजन गाना है तो साई का ही गाइए। हर भजन में भगवान के नाम, भगवान के भजन में तुम साई 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 नाम जोड़ देती हो, हर भजन में साई को जोड़ देती हो, साई का नाम अलग से गाओ ना। तो वो मुस्करा देती और जवाब नहीं देती थी कुछ, कहने की साईं भी भगवान हैं, बस इतना कहती थी। एक बार क्या हुआ
कि जनवरी का महीना था, वो एक दिन पहले मुझे कहने के लिए आई कि कल प्रभात फेरी है, आप हमारे यहाँ जरूर आना और नहाने धोने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही आ जाना। मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगी। फिर सुबह जब हुई तो मैं नहीं उठ पाई थी, जब मेरे घर के सामने से प्रभात फेरी जाने लगी तो ढपली की आवाज आई। ढपली की आवाज बड़ी सुंदर आई, मैंने देखा ओहो, मुझे ध्यान आया कि आज तो प्रभात फेरी थी, मुझे जाना था, नहीं जा पाई, चलो अभी निकल जाती हूँ। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, ठंड बहुत थी, मैंने कहा चलो ठंड बहुत है, छोड़ो क्या करना जाके, ऐसे मैंने सोच के और छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ बंद किया रजाई के अंदर मुंह, अभी मैं सोई नहीं हूँ जगी हुई हूँ, तो सामने देखती हूँ कि जैसे पर्दे पे पिक्चर आती है उसी तरह से एक बाल छोटे बच्चे का फोटो आया। छोटे बच्चे का जब फोटो आया तो मैंने देख के कहा ओहो, ये छोटा बच्चा कहाँ से आया, वो गायब हो गया। उसके बाद घुंघराने वाले बाबा आए, मैंने कहा ये कौन है, उनको भी नहीं पहचान पाई मैं, ये कौन है, वो भी गायब हो गए। फिर शिरडी साईं बाबा आए, शिरडी साईं बाबा आए, उनको मैं पहचानती थी तो उनको देख के मैंने प्रणाम किया और मैंने कहा ओहो ये तो शिरडी साईं बाबा आए। बाद में जैसे मेरे का सेंस सा खत्म हुआ तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये शिरडी साईं सतसाईं बाबा तो हो गई, ये बाल रूप क्यों दिखाया मुझे, ये मेरी समझ से बाहर था। लेकिन आज मैं समझ सकती हूँ कि शायद वो बाल रूप जो है ना प्रेम साईं का दिखाया था, उस टाइम मैं प्रेम साईं के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो इस तरह से बाबा स्वामी ने मेरे को एक अपने मेरे अंदर अपना विश्वास जगाया और थोड़ा मैं बाबा के प्रति आकर्षित हुई। सन 91 में जब हमारी कॉलोनी से सब दर्शन के लिए स्वामी के जा रहे थे, तब मुझे भी कहा कि आप भी चलो दर्शन के लिए। फर्स्ट टाइम जब मैं उनके साथ दर्शन करने गई तो वहाँ पर स्वामी को देखा, वहाँ की नगरी देखी, बड़ा आनंद आया। स्वामी को देख के कहा मैंने, स्वामी अब मुझे हर साल आप सेवा में बुलाना, मैं हर साल सेवा में आना चाहती हूँ। स्वामी का ऐसे ऐसा बोलने से स्वामी ने सुना और मुझे हर साल जो है ना सेवा में बुलाया। फिर एक और चमत्कार हुआ कि 96 में जब सेवा में जाने के लिए अगस्त का महीना आया, मुझे फीवर हो गया। फीवर हुआ तो मेरे को इतना तेज फीवर था कि पेन बहुत थी शरीर में कि मैं 4-5 दिन में पस्त हो गई, बुरा हाल हो गया, दवाइयां लेने से भी ठीक नहीं हो पा रही थी। टेस्ट कराया तो मलेरिया निकला। मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर मेरा जाने का टाइम नज़दीक आ रहा है, पुटापर्ती जाना है मुझे बाबा के दर्शन के लिए, आप जो है ना मुझे ऐसी दवाई दोगे जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ। डॉक्टर ने कहा हम कोशिश तो कर रहे हैं पर आपका मलेरिया है ना वो थोड़ा लगता है, टाइम लगेगा। जाने का टाइम 5-4 दिन रह गए, नज़दीक आया फिर मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आप टिकट कैंसिल करा दो क्योंकि आप ठीक नहीं हो पा रहे और नहीं जा पाओगे, लंबा सफ़र है। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं जाऊँगी। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि नहीं नहीं टिकट कैंसिल करा देते हैं। मैंने यही कहा, मैंने 4 दिन है अभी, 4 दिन में तो मैं ठीक हो जाऊँगी। उनको विश्वास दिलाया और मैंने टिकट कैंसिल नहीं कराई। फिर जब एक दिन पहले जो है मुझे ऐसे लगे कि जैसे मेरी हालत और ख़राब है, डॉक्टर ने कहा आप कैंसिल करा दीजिए, मानती क्यों नहीं है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, कहें आपको देख लो, अपनी जिम्मेदारी पे जाओ, आपको कुछ भी हो सकता है रास्ते में। मैंने कहा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाऊँगी तो अच्छी बात है, अच्छी जगह पर मरूँगी, मरना तो है ही है। फिर ऐसे करके जब मैंने बोल के और डॉक्टर ने कहा ठीक है आपका ऐसा ही है तो आप जाइए जी, जाने का दिन भी नज़दीक आ गया। उस दिन मैंने पैकिंग वगैरह मैंने तो क्या सबने बच्चों ने की और शाम को 6 बज रहे थे जाने वाले दिन, मेरी अचानक सांस आना बंद हो गई, सांस जो है लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने महसूस नहीं होने दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कैंसिल ना कर दें जाना, इसलिए मैंने नहीं घर में बताया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने चेहरा पढ़ लिया और कहने लगे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। कह रहे चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ। हमारी NTPC में हॉस्पिटल था तो मुझे ये डॉक्टर के पास ले गए।
डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया, दवाइयाँ दी और आधा घंटा रेस्ट कराया। रेस्ट के बाद जब मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला तो फिर मैं घर आई। घर आई तो घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, सामान गाड़ी के अंदर रखा, मैं बैठी, हम स्टेशन आ गए। स्टेशन आके ट्रेन आई तो ट्रेन में बैठने के बाद मुझे फिर फीवर चढ़ा। फीवर चढ़ा तो बहुत तेज पेन होता था, मैं बड़ी तड़फड़ाती थी। सब लोग वहाँ जो सेवा दल वाले थे वो कहने लगे, अरे इस कंडीशन में क्यों लाए, अरे इनको इतनी लंबा सफ़र नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसे क्यों किया, नहीं लाना चाहिए आपको। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हम लोग सब चुप थे जी। बुखार आया, दवाइयाँ दवाई दी, खाने के बाद में वो 2-3 घंटे में मुझे बुखार उतर गया। नेक्स्ट डे सिरडी पहुँच गए। सिरडी पहुँच के रात को हमने बाबा के दर्शन नहीं किए, सुबह जब दर्शन किए तो करने के बाद में जब हम प्रसाद खाने के लिए कैंटीन गए तो प्रसाद जब हमने खाया, खाने के बाद मुझे बड़ी शरीर में कुछ ताकत सी आई तो, और खाना भी बहुत अच्छा खाया, लगा टेस्ट बहुत अच्छा है खाने का। खा के जब हम बाहर आए तो मेरे मतलब शरीर में बहुत ताकत थी। मैं इनसे कहने लगी, मैं तो ठीक हो गई, बाबा का प्रसाद खा के मैं ठीक हो गई। कह लेंगे ऐसा नहीं करो, तुम जाओ रूम पे, हम जरा घूम के आते हैं और तुम रूम पे जाओ। कि नहीं, मैंने कहा मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं, आप कर वहाँ जाओ, आपको अभी पुट्टपर्ती जाना है, वहाँ भी सेवा करनी है, जब तक ठीक हो लो। मैंने नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनके साथ सारी सिरडी में घूमी भी थी। घर आई, फिर शाम को ट्रेन पकड़ के पुट्टपर्ती आई। पुट्टपर्ती में आते आते बिल्कुल फिर फीवर ही नहीं आया, एक बार ट्रेन में आया, उसके बाद आया ही नहीं। उसके बाद पुट्टपर्ती आके मेरे हस्बैंड और मैं अलग अलग हो गए और मैंने सेवा भी की। जबकि मैं दिल्ली में थी तो यही कह रही थी कि सेवा ना कर पाई कोई बात नहीं, मैं दर्शन तो करूंगी स्वामी के। तो ये सोच के घर से चली पर, लेकिन स्वामी ने इतनी कृपा करी, इतनी मेहर की कि उन्होंने सेवा भी ले ली। स्वामी का एहसान ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती कि वो हमारे हमेशा साथ हैं। भगवान पे विश्वास करके चलो, पूर्ण समर्पण करके चलो तो भगवान हमारे साथ है। और 2001 है तो मेरे को बाबा ने ना, मेरी बेटी के छोटा बेटा था उसको लेके बाबा की सेवा में जाता गए हम। जब बाबा की सेवा में गए हम तो वहाँ जाके सेवा भी की। पाद नमस्कार का दिन आया तो बेटी कहने लगी, मम्मी मैं चाहती हूँ कि स्वामी जो है ना इसके सिर पे हाथ रख दें और आशीर्वाद दें। मैंने कहा अगर तेरी इच्छा है तो स्वामी से प्रेयर करो, वो जरूर पूरी करेंगे। ठीक है, पाद नमस्कार के लिए बैठ गए, बच्चा सो गया। बेटी कहने लगी, मम्मी ये तो सो गया, कैसे देखेगा बाबा को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सो गया, सोने दो, स्वामी की नज़र पड़नी चाहिए इस पर, ये नहीं देखेगा कोई बात नहीं, इसे तो बाद में देख लेगा। तो स्वामी आए, मैंने चरण स्पर्श लिए, उसके बाद बेटी के पास गए, बराबर में बैठी बेटी बैठी थी। तो जब उसके सिर पे हाथ रखने के लिए स्वामी नज़दीक आके मुंह खोल के कुछ बोला, जब उनको बोला उसको, तो मेरा चेहरे की तरफ, स्वामी के चेहरे की तरफ नज़र थी। जब मैंने ऊपर देखा तो उनके चेहरे की चमक और उनका इतना बड़ा मुंह, चेहरे का बहुत बड़ा चेहरा, यानी कि इतना बड़ा कि सूप जैसे तो होठ थे, दोनों होठ इतने बड़े सूप जैसे, और अंदर जीभ जैसे शेषनाग का फन। और जब उन्होंने इतना बड़ा मुंह खोल के कुछ बोल रहे थे तो मेरे को सब अंदर का दिखाई दिया। जब मैंने अंदर का देखा तो मैं थर थर कांपने लगी और स्वामी के हाथ जोड़ के देख के यही विराट रूप दिखाया, स्वामी बस 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 इस तरह से करने के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं था। और जब मेरे को स्वामी चले गए, जब मेरी कंपन बंद हुई, फिर सब लोगों ने आके हमें घेर लिया। सेवा दल ने कहा, स्वामी ने क्या कहा था, स्वामी ने क्या कहा था। हमने कहा हमें तो पता ही नहीं स्वामी ने क्या कहा, हमें तो होश ही नहीं, जो चीज उन्होंने दिखाई हम तो उसमें ऐसे हो गए कि हमें यही नहीं पता चला कि स्वामी ने बोला क्या था। लेकिन जो देखा उसको देख के हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि बाबा साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। वैसे उससे पहले मैं बाबा के विपरीत थी, उसके बाद मैं आज तक उनको परमात्मा के सिवा कुछ नहीं मानती। ओम साईं। दोस्तों,
जब हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और जब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो सब कुछ ठीक होता चला जाता है, हमारी अनेकों आवश्यकताएं खुद ब खुद पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव है हमारी अगली साई सेविका श्रीमती पुष्पा भाकनी जी का। श्रीमती पुष्पा भाकनी जी बतौर अध्यापिका केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत थी और 33 वर्ष वहां पढ़ाने के बाद वहां से सेवानिवृत्त हुई। पिछले 22 वर्षों से वो संगठन के विभिन्न विंग्स में सेवा कार्यों से जुड़ी हैं। आजकल वो समिति भजन कोऑर्डिनेटर हैं और बाल विकास गुरु भी हैं। आइए तो मुलाकात करते हैं श्रीमती पुष्पा भाकनी जी से और सुनते हैं उनके अनुभव। ईश्वरं वासुतम सत्यम नित्य मंगल कारणम वेंकावधूतम संप्रीतम वंदे साईं जगत गुरु। है बांध लिया जिसने हमको, है बांध लिया जिसने हमको अपने प्यार के बंधन में, उन साई के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी को मेरा प्यार भरा साई राम। बाबा थे मेरा परिचय तब हुआ जब मैं केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी में थी और उस कॉलोनी में बाबा के बहुत से डिवोटी थे और बहुत अच्छे भजन होते थे, तो मेरे स्कूल के बच्चे जो थे वो भी बाल विकास कार्यक्रम में भाग लेते थे और एक अध्यापिका जो साई डिवोटी थी वो अक्सर विश्वकर्मा डे पर कल्चरल प्रोग्राम करवाए करती थी, तो उसमें अक्सर वो मेरा भी सहयोग लेती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको साई भजनों में लेकर जरूर जाऊंगी। उसके बाद ऐसा संयोग हुआ कि हमारे सेक्टर में भी जहां हम रहते थे हमारे किसी पड़ोसी के घर में साई भजन हुआ। हम जब भजन में गए तो समय की पाबंदी, अनुशासन और भजनों की क्रमबद्धता और इतना शांत वातावरण देखकर हमें इतना अच्छा लगा कि हम मोहित हो गए और धीरे धीरे हम भजनों में जाने लगे और ऐसे हम समिति के मेंबर बन गए। और तभी बाबा ने हमें बंगलौर आने का निमंत्रण दिया। हम बंगलौर घूमने गए थे, 4 दिन का हमारा प्रोग्राम था। पहले तो बाबा के यहाँ जाने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, हमें ऊटी जाना था, लेकिन बाद में हमें ये लगा कि जिन बाबा के भजनों में हमने जाना शुरू किया है हमें उनका भी दर्शन करना चाहिए, तो हमने ऊटी जाने का जो प्रोग्राम था वो बदल दिया और हम परती के लिए बस में रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में ही हमारी बस खराब हो गई। अब हम बहुत परेशान हो गए, हमने सोचा कैसे स्वामी के दर्शन होंगे क्योंकि 5 बजे के बाद उनके दर्शन नहीं होते थे, बस कैसे पहुंचेगी और हमें रात को घर भी लौटना था। खैर बस ठीक हो गई तो हम परती प्रशांति आश्रम में पहुंचे और उसके बाद वहां पर स्टेशन पे लोगों ने कहा कि अब आप आश्रम जा रहे हो, वहां तो अब एंट्री बिल्कुल बंद हो गई होगी। लेकिन मैंने वहां पर बाबा की बहुत सारी फोटो लगी थी, मैंने कहा बाबा जब आपने यहां तक बुलाया है तो आप दर्शन भी अवश्य दोगे। हम वापस नहीं गए और आश्रम की ओर गए। वहां जाकर हमने देखा कि थोड़ा बहुत लोग अब जा रहे थे। हमने क्लोज रूम में अपना सामान डिपॉजिट किया और लाइन में लगने के लिए आते, लेकिन तभी सेवा दल ने कहा नहीं अब अंदर नहीं जाना है, बाबा आने वाले हैं। फिर हम एक बार निराश हो गए, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। तो ऐसे ही उधेड़बुन में थे कि एकदम से सेवा दल आए, आइए आइए आइए, और हम एकदम से चले गए और हमें जान वहां बैठने के लिए इतना अच्छा स्थान मिला। और तभी भगवान बाहर आए और उन्होंने अपने हाथों से आशीर्वाद दिया सभी को।
हमारा वो था भगवान का पहला दर्शन। और फिर हम उनके प्यार में बंधते चले गए और हम उनके बहुत सारी जो भी उन्होंने हमें राह दिखाई हम उन पर चलते गए। स्कूल के कारण और घर के कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं सेवा में तो जा नहीं पाती थी, लेकिन दर्शन के लिए मैं अक्सर जाती थी। तो जब मैं दर्शन के लिए गई थी, मेरा मन तो था सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं केवल 4 दिन के लिए गई थी। 4 दिन की सेवा नहीं मिलती, 7 दिन के लिए जाना होता है। लेकिन अचानक ही वहां के एक सेवा दल इंचार्ज आई और उन्होंने मुझसे कहा, आप सेवा दल कैंटीन में बर्तन मांजने का काम करोगे। मैं तो बहुत खुश हुई, अंधा क्या चाहिए 2 आंखें। मैं बहुत खुश हो गई कि इतने कम समय के लिए भी मुझे सेवा मिल रही है। और मैंने वहां बहुत ही आनंद अनुभव किया सेवा करते हुए। उसके बाद उसके अगले साल हम फिर गए, फिर भी मैं तो दर्शन के लिए ही गई थी। तो दिल्ली की एक सेवा दल इंचार्ज जो थी, उन्होंने मुझे कहा, क्या आप मंदिर की सेवा करोगे। मैं बहुत हैरान, क्योंकि मुझे पता था कि मंदिर की सेवा बहुत कम लोगों को मिलती है और मुझे बचपन से ही पूजा पाठ का बहुत शौक है। मुझे ऐसा लगा भगवान ने तो मेरी बिल्कुल मन की भावना समझ ली। और मैंने 4 दिन ही मेरे पास थे और बहुत तन मन धन से मंदिर की सेवा की। उसके बाद उसी रात हमें घर लौटना था वापस। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी इसलिए वो लौट नहीं सकते थे, मेरी एक साथ थी और मैं वापस आए। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो बिल्कुल निर्जन सुनसान, क्योंकि जब सेवा से सब लोग लौटते हैं तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन हम दोनों पूरे स्टेशन में हम 2 ही लोग थे और इतना सुनसान, 11 बजे का टाइम था। मैं तो वैसे ही इधर उधर कभी अकेले नहीं जाती, मैं बहुत घबरा गई। मैंने सोचा, हे भगवान, आज तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, क्योंकि मेरी जो मित्र थी उनका S18 में था और मेरा B3 में था, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग खड़े हुए। मैं वहां अकेली, मुझे लगा मेरी छूट जाएगी ट्रेन में, कैसी चलूंगी। मेरे पास एक अटैची और एक बैग था। अब मैं बहुत परेशान, भगवान का नाम लेकर हाथ जोड़कर, हे भगवान, आज मैं क्या यहीं रह जाऊंगी, कहां जाऊंगी। तो जैसे ही ट्रेन आई, B3 जो था वो मेरे बिल्कुल सामने उसका गेट, और अब हैरान हो गए, एक बिल्कुल यंग वो टीटी उतरा और उसने मेरे हाथ से मेरा बैग और मेरी अटैची लिया, आंटी आइए, और सीधे मुझे मेरी सीट के पास ले जाकर बिठा दिया। मैं हैरान हो गई, ये क्या हुआ, मैं कितनी परेशान थी और कितनी आसानी से मैं पहुंच गई। और अगले दिन पूरे दिन वो टीटी मुझे नहीं दिखा। मेरे को बिल्कुल महसूस हुआ कि वाकई मैंने स्वामी को पुकारा और वो आई। स्वामी हर जगह हमारी मदद करते, ये नहीं कि वो प्रत्यक्ष रूप में हमें दर्शन दे, वे किसी भी रूप में आपके हमारी सेवा कर सकते हैं, किसी भी रूप में आके हमारी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद उसके अगले साल भी जब हम फिर सेवा के लिए गई थी, तब तो मैं तो हम ट्रेन से उतरे, तब हमारी ट्रेन 18 घंटे लेट थी। पहले ही बहुत थकान हो चुकी थी, पैरों में तकलीफ भी बहुत थी। जब उतरते ही सीढ़ियां दिख गई, सीढ़ियों से मुझे बहुत घबराहट होती, सीढ़ियों में चढ़ने में जैसे मेरी जान ही निकल जाती। तो मैं जैसे ही, हे भगवान, बाबा मैं कैसे चलूंगी इतनी सीढ़ी, तो एकदम से एक ट्रॉली आकर मेरे सामने रुकी, अम्मा आओ बैठो। और मेरे हस्बैंड ने कहा, मैं सीढ़ियों से आता हूँ, तुम इसमें बैठ के आ जाओ। उसने मुझे सीधे गेट पर पहुंचा दिया। तो स्वामी हमारी ऐसी मदद करते हैं, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होते। जब भी हम जाते हैं कहीं भी तो वो हमें परेशान होने नहीं देते, पग पग कर हमारी मदद करते हैं। केवल परती में ही नहीं, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हम किसी प्रकार की सेवा कार्य कोई भी करते हैं और बाबा को पुकारते हैं, तो बाबा हमारे हमेशा मदद करते हैं। उनकी ये बात की, When I am here, why do you fear? ये कानों में हमारे गूंजती रहती है। इसी तरह का फिर 2 साल पहले का एक वाक्या है, बहुत बार इस तरह का अनुभव किया, उसको हम उतना सुनाने बैठेंगे
तो उन गाथाओं के लिए एक युग बीत जाएगा और हम साई की गाथाएं नहीं पूरी कर पाएंगे। तब भी हम जब गए तो हमें पहले दिन रूम अंदर नहीं मिला प्रशांत के, तो बाहर हम रह रहे थे। मेरी बुक शॉप में ड्यूटी थी, जहां बहुत एक शोर पे बुक शॉप, एक शोर पे बाहर गेट, गणेश गेट के पास मेरा रूम। मेरे पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। ड्यूटी से लौटते लौटते मेरी आंखों से बिल्कुल आंसू निकल पड़े। मैं सोची, भगवान कैसे करूंगी मैं इतने दिन सेवा, और मैं सेवा करना चाहती हूँ। किसी तरह मैं अपने रूम में पहुंची और फिर मेरे हस्बैंड भी 8 बजे अपनी ड्यूटी समाप्त करके आए। जैसे ही बैठे थे, उनके एक मित्र का फोन आया जो उसी दिन फ्लाइट से आ रहे थे पर्थी, और उन्होंने पूछा कि मेरी ड्यूटी कहाँ पे लगाई हुई है। और उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि आप कहाँ रुके हुए हो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम तो बाहर, अभी अंदर क्वार्टर मिला नहीं है, हम बाहर रुके हुए। तो उन्होंने एकदम से कहा, आप मेरे रूम में शेयर कर लो। मेरे एक मित्र भी आ रहे थे लेकिन वो आ नहीं पाए हैं, इसलिए आप हमारे रूम में शेयर कर। और उनका रूम बिल्कुल इतना पास हमारी, मेरे जहाँ ड्यूटी थी उसके पास था। तो ऐसे हैं हमारे साई। वैसे तो विश्व के कण कण में है साई, हर फूल में, हर पल्लव में है साई, हर दिल में, हर जर्रे में है साई। फिर भी पत्ती में तो हरदम विचरते हैं साई, और हर दिल यही कहता है पृथ्वी को देखकर, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है साईं राम। दोस्तों, भगवान की कृपा पर हमेशा विश्वास रखो, उसे अर्जित करो और बनाए रखो। और भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है निष्काम भाव से सेवा। और एक बार जब हमें भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है तो हमारी राह में कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आए, हम बिना किसी आंच के उससे निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव है हमारी अगली साई सेविका का। उनका नाम है श्रीमती चंचल मदान। श्रीमती चंचल मदान सन 2004 में भगवान के फोल्ड में आई और भगवान की ऐसी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि तब से आज तक निष्काम सेवा में, संगठन में सक्रिय सेवा दल के रूप में काम कर रही है। आइए तो चलते हैं श्रीमती चंचल मदान जी के पास और सुनते हैं उनके अनुभव। ओम श्री साई राम, माय हम्बल प्रणाम एट द लोटस फीट ऑफ स्वामी। माय नेम इज चंचल मदान, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। स्वामी के कुछ एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स मुझे उनसे मिली, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2004 में जब मैंने पहली बार स्वामी के बारे में मुझे पता चला, हम लोग भजन में जाया करते थे अपने एक फ्रेंड के यहाँ, वो बाबा डिबोटी थे, तो उन्होंने स्वामी के बारे में बताया कि स्वामी गुडपत्ते से हैं। तो एक अंदर से एक जैसे क्यूरियसिटी होती है कि हम किसी से जुड़ रहे हैं। मैं वहाँ जब भजन के लिए जाती थी तो मुझे बहुत एक अट्रैक्शन होता था और लगता था कि जैसे स्वामी खींच रहे हैं मुझे अपनी ओर, और अंदर अंदर से मैं मतलब जैसे स्वामी से प्यार करने लगी, और अंदर से लगा कि हम स्वामी को इतना प्यार करते हैं। तो उन्होंने मुझे विभूति और एक स्वामी का फोटो दिया कि अब मेरे घर के लिए, तो मैं उसे अपने घर में लेके आई, मैंने मंदिर में उनको स्वामी को प्लेस किया। तो इस तरह से मैं स्वामी के साथ जब जुड़ी तो स्वामी के लिए मन में तरह तरह की बातें, उनके ब्लेसिंग्स जो मुझे पता चलती थी, तो मैं बहुत अंदर से मुझे होता था कि स्वामी मुझे कब बुलाएंगे कुटपर्ती। तो अभी नया नया ही मैं जैसे जानने लगी थी उनके बारे में, पर फिर भी अंदर से बहुत ज़्यादा होता था कि स्वामी के बारे में और जानूं। तो बस यही हुआ, और मैंने स्वामी को एक लेटर लिख डाला। मैंने एक लेटर लिखा, उसमें स्वामी को अपने सारे दुख सुख, जैसे कोई एक बेटी अपने माँ बाप को लिखती है, तो इस तरह से मुझे लगा कि ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। और मैंने उनको एक लेटर लिखा कि स्वामी आप मुझे कब बुलाओगे, बस आप मुझे बुला लो, मुझे वहाँ आना है आपके पास,
मतलब इतना खींच थी स्वामी की मेरे को कि स्वामी ने मुझे बहुत जल्दी से मेरा वो लेटर एक्सेप्ट कर लिया और मुझे बुटापर्ती बुलाया। मैं बुटापर्ती चली गई बहुत जल्दी से। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं बुटापर्ती की क्या बुकिंग करा लूँ। तो मेरा बेटा उस टाइम बहुत छोटा था, 8 ईयर्स का था, डॉटर मेरी 12 ईयर्स की थी। तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि तुम दोनों चले जाओ और मैं वहाँ चली गई। मेरी एक और कोई फ्रेंड थी जो बैंगलोर रहती थी, उनके साथ मैं बुटापर्ती के लिए निकल पड़ी। और जब मैं बुटापर्ती पहुँची, जैसे ही मैंने वहाँ एंटर किया तो मेरे आँखों से इतने आंसू निकले कि भगवान मैं इस जगह के लायक भी नहीं हूँ और आपने मुझे अपने तीर्थ स्थल पे मुझे बुला लिया, क्योंकि स्वामी की जगह हमारे लिए तीर्थ भूमि है। और मैं वहाँ एंटर करते ही रोने लगी। जब मैंने वहाँ वहाँ पहुँची तो शाम वाले भजन के लिए हमें वहाँ जाना था। शाम वाले भजन में जब हम गए तो उस दिन स्वामी दर्शनों के लिए नहीं आए। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ हॉल में कदम रखा तो एक ऐसे लग रहा था कि स्वामी मुझे देख रहे हैं। और मतलब इतना अच्छा उनका दर्शन, मतलब वहाँ आभास था कि इतनी अच्छी वाइब्स थी कि मुझे यह तो समझ आ ही गया कि स्वामी को पता चल गया कि उनका बच्चा आ चुका है। जैसे ही मैं वहाँ भजन जैसे स्टार्ट हुए और मेरे तो आँखों से जो आंसू गिरे, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं रोती जाऊँ। मुझे लगे कि स्वामी ने मुझे होल्ड कर लिया है और वो देखते जा रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से आ गए। 2 दिन बाद हम लोग का बैंगलोर से वापसी का टिकट था, लेकिन मैं बुटापर्ती में थी। जिनके साथ मैं गई थी, एक फ्रेंड, उन्होंने मुझे बोला कि अरे तुम नहीं जानती हो कि स्वामी आज तो आए नहीं, क्या पता कल सुबह भी मॉर्निंग दर्शन होते हैं कि नहीं होते। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो नहीं आते, वो इतना मतलब सब जगह दर्शनों के लिए जाते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, स्वामी यहाँ हैं और वो आ चुके हैं। क्योंकि मेरा विश्वास, मेरा फेथ इतना पक्का था कि मैंने कहा नहीं, मेरे को तो दर्शन हो गए स्वामी के, अब उनके फिजिकल वाले दर्शन अगर स्वामी चाहेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि स्वामी की इच्छा से ही मैं यहाँ आई हूँ। क्योंकि भगवान अपनी भूमि पे तभी कदम रखने देते हैं जब वो खुद चाहते हैं। इसका मतलब स्वामी ने मुझे बुलाया है और वो चाह रहे हैं कि मैं उनके दर्शनों के लिए आऊँ। और उनका वो ऑरेंज चोला जो मैं देखना चाहती थी, जो मैंने सबसे सुना था कि जो लोग हम लोग मानवीय चोले में हैं तो हम मतलब बाद वाले लोग तो इसे देख भी नहीं पाएंगे, हम भगवान के दर्शन, हम वो भाग्यशाली हैं लोग जो भगवान को देख पा रहे हैं। हमसे पहले जो पीढ़ियां थी जिन्होंने भगवान के दर्शन किए होंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन अब हम मानव चोले में हैं तो हम भगवान का वो ऑरेंज वाला रूप ही देखने के लिए तरसेंगे बाद में। तो इस तरह से मैंने उसको जवाब दिया। मैंने कहा नहीं, स्वामी को पता है उनका बच्चा यहाँ आ चुका है, तो कोई बात नहीं, मैं तो इसी से भी बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मॉर्निंग में जब अगले दिन मैं उठी तो वहाँ पे नगर संकीर्तन की, मुझे मालूम था कि वहाँ पे जैसे होना है, तो जैसे मुझे बताया गया था कि इधर मॉर्निंग में ऐसे फेरी निकलेगी, तो मैं जहाँ ठहरी थी वहाँ पे मुझे आवाज़ भी आई और मैं उठ के ऐसे लगा कि चिड़ियों का चहचहाना, इतना वॉइस वहाँ पे माहौल था, इतना सुंदर, ऐसे लग रहा था कि भगवान ने मुझे तो स्वर्ग में बुला लिया है और मैं स्वर्ग के दर्शन करने के लिए आई हूँ। मतलब जो मैं वहाँ अपने यहाँ पे नहीं महसूस कर सकती थी, और स्वामी ने मुझे वहाँ पे स्वर्ग का नज़ारा दिखाने के लिए कि यहाँ पे ऐसा चैंटिंग होती है, वेदों का उच्चारण और ये सब। मॉर्निंग में जब मैं जैसे वहाँ पे सुबह उठी और वहाँ पे मैं उस नगर संकीर्तन में शामिल हो गई, उसके बाद भजन के लिए इंतज़ार करने लगे। भजनों के लिए मैं जब वहाँ पे गई तो लाइन में लगी, और जब स्वामी भजन के समय आए वहाँ पे तो मुझे नहीं पता मुझे वहाँ क्या हुआ कि यूँ लगा कि स्वामी के एंटर करते ही एक जैसे कोई रे होती है प्रकाश की, एक लौ, और यूँ लगा कि स्वामी ने आके मेरे को छू दिया हो। स्वामी का जैसे मेरे आँखों से फिर से वही आंसू, और रोती जाऊँ सुबह के रो रही थी, और यूँ लगा कि स्वामी खुद आके मुझे हैंकी से मेरे अपने रुमाल से मेरे आंसू साफ कर रहे हैं। और जब उन्होंने हाथ उठाए वहाँ से अपने चेयर से,
तो यूं लगा स्वामी मुझे बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं और मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है उन्होंने। यूं लगा अब तुम बेटी मेरे पास आ गई हो कि मेरा बच्चा मेरे पास आ चुका है, अब सब सुख दुख मेरे हैं, तुम सिर्फ मेरे कार्य में लगे रहो, मेरी सेवा में लगे रहो, यही मैं चाहता हूँ। और उन्होंने ये ब्लेसिंग दे के मुझे वहाँ से विभूति प्रसाद वगैरह दे के हम लोग वहाँ से आ गए और बेंगलोर के लिए, बेंगलोर से जब मैं वापस आई आके फिर और ज़्यादा स्वामी के लिए एक मन में जो विश्वास और पक्का होता गया और इतना अच्छा लगना शुरू हो गया कि एक पॉजिटिविटी और ऐसे लगा कि अब सब कुछ तो स्वामी के लिए है, मेरी लाइफ ही स्वामी के लिए है। देन मेरे हस्बैंड का कुछ टाइम बाद उसी साल में ही एक सीवियर उनको अटैक आया, 90% ब्लॉकेज थी उनको, तो मुझे उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। स्वामी ने ऐसे अरेंजमेंट्स उसमें किए कि खुद आके जैसे ब्लेसिंग्स हर चीज़ के लिए वो उन चीज़ों से हमें निकालते गए। और हॉस्पिटल में जैसे एडमिट कराया तो डॉक्टर्स ने उनके बाईपास और इन मतलब सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर रखा था। मॉर्निंग में 9 बजे उनके ये सब प्रोसीजर होना था। रात के समय जब मैं लॉबी वाले एरिया में, CCU की जो लॉबी एरिया होता है वहाँ पे उन्होंने मुझे एक जगह दी कि आप यहाँ सो सकते हैं, तो रात में थोड़ी मन में उथल पुथल थी कि अब क्या होगा, बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन डर नहीं था कि ये मन में बैठ चुका था कि वाई फेयर एंड आई एम हेयर, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरना ही नहीं है, ये सब दिमाग में बैठते मैं लेटी रही और मुझे बस स्वामी को बुलाती रही और उनसे उनको याद करती रही। और उसके बाद जब मुझे 1:30-2 बजे के करीब एक बहुत अच्छा सा एहसास हुआ, एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस मुझे आई और ऐसे लगा कि कोई मेरे सिर पे आके खड़ा हो गया हो और वो मुझे कह रहा हो उठो तुम यहाँ से और वहाँ जाके बैठो। तब मैं वहाँ से हिली और मैं उठी और एक वहाँ पे आगे थोड़ा सा कुछ कदम चलते ही उन लोगों का एक प्रार्थना कक्ष था, तो वहाँ पे एक आसन बिछा हुआ था जैसे मेरे लिए इंतज़ार कर रहा हो और मुझे लिए बिछाया गया हो। तब मैं वहाँ पे बैठ गई स्वामी के लिए और फिर क्या था, 2 से 2.5 घंटे स्वामी यूं लगा कि मेरे साथ खड़े होके मेरे को मुझे कंसोल करते जा रहे हैं और कुछ कुछ समझाते जा रहे हैं और मैं उनको याद करती जा रही हूँ, उनसे बातें करती जा रही हूँ। कोई चिंता नहीं कि राजेश हॉस्पिटल में है और मैं कहाँ हूँ, सुध बुध खो के मैं वहाँ पे बैठी रही। तब सुबह 6 बजे के राउंड मुझे जैसे एक जैसे नींद टूटती है ऐसे उस मेडिटेशन हॉल में प्रार्थना कक्ष में मैं बैठी हूँ, तो एक CCU से फिर आए वो लोग, उन्होंने मुझे बुलाया कि राजेश जी का भी हम लोग NGO के लेके जा रहे हैं। नहीं वो तो 9 बजे था, तो उन लोगों ने मुझे बोला नहीं वो प्रीपोन हो गया है तो हम लोग उनको पहले ही कर रहे हैं। देन जब मैं डॉक्टर से मिली सब प्रोसीजर पूरा हो गया तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा हाउ इज़ राजेश, तो बोले कि क्या हुआ उसे, वो तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा नहीं उनका 90% ब्लॉकेज था, तो बोले नहीं वो तो 10% में है, 10% तुम ब्लॉकेज कहती हो, आज मैं तुम्हारा टेस्ट कर डालूं तो तुम भी 30% वाला होगी। कह रहे तुम्हारे साथ तो जो देवी चमत्कार है, देवी शक्ति है तुम्हारे साथ जो मिरेकल हुआ है, हम नहीं जानते तुम किसको मानती हो किसको नहीं मानती, लेकिन 101% हमें पता है कि कुछ ऐसी पावर तुम्हारे साथ है जो इतना मेजर उनको अटैक पड़ा था और हम लोग सब तैयारी करके बैठे थे और उसको तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। बस उनका ये कहना था और मेरे को तो जो आंसू शुरू हुए, मैंने फिर स्वामी को धन्यवाद स्वामी, थैंक यू स्वामी, थैंक यू स्वामी, आई लव यू स्वामी, बस ये कहती हुई देन हॉस्पिटल का जो प्रोसीजर था वो चलता रहा। आफ्टर दैट एक बार फिर से राजेश जी का कुछ समय पहले एक रोड एक्सीडेंट हुआ, वो स्कूटी से स्लिप कर गए। तब मेरे को एक PCR वाले का फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड का ऐसा रोड एक्सीडेंट हुआ है और उनको हमने एडमिट कराया है, तो एक पर्सन है जो उनको एडमिट करा चुके हैं, तो आप प्लीज़ जल्दी से आइए। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया कि अमन आप जल्दी आओ और पापा का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। मैंने घर से विभूति और स्वामी का कार्ड लिया जो हमेशा, उसके बाद तो ये था कि मैं हमेशा हर समय ये रखती थी, तो मैं जब वहाँ पहुँची तो पर्सन मेरा इंतज़ार कर रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे स्वामी सारा अरेंजमेंट करने के लिए वहाँ खड़े हैं, वो सेवा दल के
जैसे हमारे सेवा दल के लोग कपड़े डालते हैं व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट में, वो बंदा विभूति मेरा इंतजार कर रहे थे और बोले कि बहन जी आपके हस्बैंड यहाँ हैं। तो मैंने उनको प्रणाम किया और बोला आप तो हमारे बाबा हैं, बाबा के रूप में आए हैं। फिर मैं वो बोले नहीं नहीं आप ऐसे मत कीजिए, मेरा फर्ज है। और तब मैं राजेश जी के पास अंदर गई और उनको फिर उनके कान पे विभूति और बहुत ब्लीड कर रहा था, इस तरह से मैंने उनको विभूति गले पे और सब लगाया। तो मैंने कहा नहीं स्वामी ने आपको बचाना था, अब रोइए नहीं। बोले मैं नहीं बचूंगा। मैंने कहा नहीं स्वामी ने आपको देखो बचाना था, तो ये बाबा के रूप में आए हैं और बहुत ब्लेसिंग स्वामी ने उस टाइम इतना कृपा की, इतनी ग्रेस की कि जिसको हम शब्दों में तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। और जब इसके बाद हम उन्होंने वो पर्सन तब तक हमारा इंतज़ार करते रहे जब तक हम दूसरे हॉस्पिटल में नहीं शिफ्ट हो गए। जैसे एम्बुलेंस आना था, ऐसे लग रहा था स्वामी सारा अरेंजमेंट अपने हाथ से करके हमें वहाँ दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना चाहते हैं। और उस हॉस्पिटल में जब हम शिफ्ट हुए तो मज़े की बात, वहाँ जो सिस्टर थी अटेंडेंट जो थी वो भी बाबा डिवोटी थी। वो इतनी खुश, जब मैंने बाबा का वहाँ जाके फोटो लगाई और विभूति आंटी यू आर स्वामी डिवोटी यस, तो आप मुझे विभूति देंगे? मैंने कहा बेटा आप तो कुछ भी मांग लो। इस तरह से स्वामी हर पल साथ रहे और मुझे एहसास है कि सुख में दुख में हर पल वो हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब दुखों में भगवान आपको आशीर्वाद ऐसे देते हैं, भगवान दुख में भी जब आपको सुख का एहसास होता है तो आप समझ जाना भगवान आपके साथ है। और ऐसी शक्ति जो आपके साथ हो तो डर किसका, किसी भी चीज़ का डर नहीं है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि स्वामी की हम जो ये शरीर लेके आए हैं, उन्होंने हमें किराए पे शरीर दिया है, हमें उसे अपने फेथ से और डिवोशन से इसका रेंट चुकाना है जो हम सेवा के थ्रू चुका सकते हैं। स्वामी के कामों में लग के, स्वामी की सेवा करके कि स्वामी ने हमें इतना अच्छा पाथ दिया है, हर पल हम उनको शुक्राना करते रहें और उनकी ब्लेसिंग को लेते रहें। उनकी ग्रेस तो सबके ऊपर है और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें वो रेंट कैसे पे करना है, थ्रू फेथ एंड डिवोशन। स्वामी डिवोशन को देखते हैं और वो अपनी सेवा में, जो स्वामी ने हमें इतना अच्छा कार्य, इतने अच्छे हमें सब दे के गए हैं, उन पे हमें चलते रहना है। दोस्तों जब हम भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तभी तो हम उनके भक्त कहलाते हैं। और ये भी सच है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और उनके निकट संबंधी होते हैं। भगवान अपने भक्तों का हाथ पकड़कर जीवन रूपी सागर से उनको सुरक्षित पार लगाते हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव है हमारी अगली साईं सेविका श्रीमती राज जुनेजा जी का। श्रीमती राज जुनेजा सन 1986 में भगवान के फोल्ड में आई और कई बार प्रशांति निलयम में भगवान के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। सन 2012 से सक्रिय रूप से साई सेविका के रूप में संगठन से जुड़ी हैं और विभिन्न विभिन्न सेवा के कार्यों में लगी हुई हैं। आजकल श्रीमती राज जुनेजा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट स्टडी सर्कल कोऑर्डिनेटर हैं और बाल विकास गुरु भी हैं। श्रीमती राज जुनेजा अंग्रेजी भाषा में स्किल डेवलपमेंट की ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं। आइए तो चलते हैं श्रीमती राज जुनेजा जी के पास और सुनते हैं उनके अनुभव। My humble pranams at the lotus feet of Bhagwan Sri Satya Sai Baba and a loving Sai Ram to one and all. Thank you, Baba. Thank you so much for everything you do for me. I'm always thankful to you, especially for this opportunity which you have given me to relive, rewind all those beautiful moments full of grace. I am Raj Juneja from Faridabad, Haryana. I am coordinator, study circle. Swami took me in his fold in 1986 after my husband was operated upon for brain tumor and had developed lots of problems. He lost 100% vision and was in coma for more than a month.
the doctors, they did not have any hope about his survival. My children were very small at that time. The youngest, my daughter, was only 3 years. He was still in coma. One of his friends came to see him in the hospital. He was a spiritually elevated person. I asked him to please let me know what was going to happen. So he sat in meditation close to his bed in the hospital. And as he rose up, he said, I have seen Satya Sai Baba with Abhay Hasta behind him. So for the time being, there is no risk to his life. So a ray of hope developed in my mind. And I prayed to Baba in my heart of hearts. I said, Baba, I don't know you. I have heard about you for the first time. But if you please give me an opportunity to bring him to your divine presence. We stayed in the hospital for 2-3 weeks more. And when we were discharged from there, I took him home, talked to my family members, and expressed my desire to take him to Puttaparthi, to Swami's presence. Family members, they were non-believers and they did not agree readily. Anyhow, I cried incessantly. I myself was 34 years at that time. So the family members, they also agreed. And we arranged to get an address and we took him to Puttaparthi. It was a very difficult journey. Taking him in such a bad condition was very difficult. Anyhow, when we reached Puttaparthi and I stepped into the ashram, a different kind of peace settled upon me. And I was, half of my sorrows vanished. We were given accommodation in West Prashanti. It was W1A2. We stayed there in that room for more than a month. My two brothers, my brother-in-law, and we too. So from next day, we went for regular darshan, took him in the wheelchair, and nothing significant happened for 15 days. I was very much worried, kept crying all the time, because I had come with a hope that immediately we'll reach there and we'll get some hope. Then one of my brothers and my brother-in-law left back for home, and one of my brothers stayed back with us. So another week passed, and one day, every day early in the morning, I used to go to Ganesha gate and bring a mala and put it on the photo which hung close to the door of us, of our room. So one day I noticed that the mala had grown longer in size, when I returned back from bhajan. Anyhow, I did not pay much attention. Then second day I changed the mala. It grew even longer. Third day it came nearly to the half of the wall, and I indicated this to my brother, and he also noticed. Then fourth day, still longer. Fifth day, it was very, very long, conspicuously long. And I talked to one of the permanent residents of ashram, Mrs. Rani Srivastav, an elderly lady. She said, Baba, tumhare husband ki umr lambi kar rahe hain. Another 2 days passed, and seventh day, the mala covered the entire wall and lay 6 inches on the floor. And those 7 days, from next day, the mala did not increase. So 7 days the mala increased. And from that day onwards, my husband started showing signs of improvement. He had forgotten children's names, my name,
He did not recognize me, and everything he had forgotten. He slowly started recognizing me. He started sitting up on his own, remembered phone numbers, address, and everything. And so many other things also of improvement showed in his this thing. We stayed there for a few days more, and with a great hope in our hearts, with better mental strength and his better physical condition, we returned back after the first trip. After this, I took him to the doctor, and the doctor at Ames was very much surprised. He said, "What have you been doing?" Because they had said that they could not give him more than 3 months. And it was 3 months had passed long back, and he was showing signs of improvement. So I told them everything. Then for 7 years he survived, and very comfortably, without any significant problem. And Swami so graciously called us 3 times a year for those 7 years to his divine presence, sometimes to Puttaparthi, sometimes to Whitefield also. And during these 7 years, we had lots and lots of experiences. My younger daughter now, she was 4-5 years, and for first 2-3 trips, my brother accompanied us, but later on, my three children and we too used to go. So my younger daughter, who was only 4 or 5 years at that time, she used to stay near her father's wheelchair on the Jain side, because the other two daughters were not allowed, being grown-ups. So during this time, Swami blessed my younger daughter and wrote Om for her on the slate. Then once we were there, and it was her birthday, 31st December, and Swami blessed her, picked a handful of toffees from her tray and threw to the devotees. So it was very, very, you know, these were very happy moments. Once we were at Puttaparthi, and suddenly it was night, and my husband, he developed fever. And the of course, when it was mild, say up to 100, we gave him a tablet so that the fever may not rise. But it kept on steadily rising and crossed the 104 degree. And he was in a delirious condition. So, and it was raining very hard outside. We used to stay in the house of a photographer who used to take photographs of Swami in the ashram. And I requested them to take me to some doctor or hospital. So he said, "It's raining so hard and it's very late in the night. It will not be possible to contact any doctor. You wait for the whole night." So temperature was so high that, you know, it was very difficult. I prayed to Baba and mixed up some vibhuti in water and made him drink. Every 15 minutes I repeated the same. And in the morning, 5 o'clock, the temperature came back to normal, 98.4. Then that day, we could take him to the darshan also. Of course, we had to take a car. And we made him sit near Saraswati's statue. Swami came straight from his residence and came there. I spoke to Swami. I said, "Swami, he's very sick." Baba said, "Yes, I know, I know." Saying so, he looked at him for a few seconds and went away. After that, he became better, better, and that trip went on smoothly. Nothing, no problem was faced by us. Then in 1993, he merged with Baba. And after that, I had difficulty because my family members now, they were reluctant. They said, what do you want to do? Why do you want to go to Puttaparthi now? I knew why I wanted to go, but for a couple of years, no,
even a few more years, I could not muster courage to go back to Puttaparthi. It was 6, 7, 8 years gap, and after that was my second daughter's marriage. And before that, we once again got a chance to go and have Swami's darshan. Prior to that, in 1988, when Brigadier Bose was revived on the Shara day, when he had collapsed, he had died, and Swami had revived him in full public view in Poorna Chandra Hall. I was an eyewitness to that miracle. And during that, on that day only, or after Purnahuti, Swami came with the big kalash of silver, and with a chawar, he threw water, sprinkled water on all the holy water on all the devotees sitting over there. So there were so many experiences during all that period. Swami took me in seva very late. It was 2012 when I got this scarf of Sevadal. Since then, I have been going to coming to Puttaparthi for seva. Once it was 2017, and when this seva completed, we at Samadhi, I did my pranam and was about to return when I saw, when I felt very sad, and tears rolled down my cheeks, and I stood facing Swami's Samadhi at a small distance. I said, Swami, लड़कियां अपने पेरेंट्स के घर आती हैं तो जब विदा होती हैं तो माँ बाप गले लगाकर उनको भेजते हैं, लेकिन हम क्या करें? You won't believe, Mrs. Shori, who is such a strict disciplinarian, she came hurriedly towards me and gave me a tight hug. I was stunned for a few minutes. Then next year, in 2018 also, I was given the counter where diaries in bookshop, diaries, calendars, etc. were on sale. So when one packet finished, we had to go to the library in Chartsar, bookshop in Chartsar, and bring the other packet. I went there to bring the next packet, and I looked at the big photo which is which has been hung over his chair, and I heard Chala Santosam. I came back. Next time when I went for another packet, the same words, third time, fourth time. Then fourth time I asked, Sir, what is meant by Chala Santosam? He said, Chala Santosam means very happy, very satisfied. Why are you asking? So I told him that as soon as I look at Swami's photo standing here, I hear this sound. And he said, you have been doing your duty sincerely, so Swami is very much pleased with you. So there are so many, there is a variety of experiences which come streaming to my mind. But time is short, so, and it's not that at Prashanti only there is chance for seva. Even when we are at home, I try to make every opportunity an opportunity of seva. Sometimes the students of board classes, 12th class before their exam, a few students come for guidance. Every year 2-3 students they come, and I give them 2-3 sessions, and they go back very satisfied, and their results are improved by 10-15% in English. So I receive this message and I feel very, very happy. As regards my children, they after from very childhood, they have been in the fold of Swami, and they have developed very good qualities. My youngest daughter, who stays in the same house at the ground floor, she is such a loveful soul that you know, any fakir, any stray animal, any children, whosoever come, she serves so affectionately. And these days she is teaching an autistic child, our maid's daughter. She is 12 years old, and
she has to be taught, though in the school she had been for 5-6 years, but we have to teach her alphabets and 1, 2, 3, 4. I also take one and a half hour every day, and it gives a great, you know, satisfaction when the child picks up anything. All the three daughters, they have very beautiful relations with their elders. They have learned to be calm and composed through the thickness of problems even. I am very much thankful to Swami for giving me opportunity of seva. I pray to him for giving me strength to keep on doing whatsoever comes my way. Sai Ram. अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा श्री सत्य साई सेवा संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट श्री राकेश कपूर जी का, यूथ कोऑर्डिनेटर श्री साई किरण जी का, श्री सत्य साई सेवा संगठन की ग्राफिक और वीडियो टीम का और कंटेंट क्रिएशन टीम का। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाई शलभ का और यूथ कोऑर्डिनेटर भाई शरद का और सभी समिति कन्वीनर्स का, जिनकी वजह से आज हम इन साई सेवकों के अनुभव को सुन सके और उनसे मुलाकात कर सके। इस कार्यक्रम का समापन मैं जनाब आलमा इकबाल के एक शेर से करना चाहूंगा कि अगर न बदलूं तेरी खातिर हर एक चीज तो कहना, अगर न बदलूं तेरी खातिर हर एक चीज तो कहना, तू अपने अंदर पहले अंदाजे वफा तो पैदा कर। दोस्तों आइए हम भी भगवान बाबा के बताए हुए निष्काम सेवा के मार्ग पर चल पड़े और भगवान बाबा की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तभी भगवान बाबा हमारा हाथ पकड़कर हमें इस जीवन रूपी समुद्र से सुरक्षित पार करा देंगे। ओम श्री साई राम। मेरे सत्य साई भगवन।
सत्य की राह पे चलते रहेंगे हम हैं साईं पालक तेरे सत्य की राह पे चलते रहेंगे मानव सेवा हो धर्म हमारा मानव सेवा हो धर्म हमारा मंजिल अपनी पाके रहेंगे मंजिल अपनी पाके रहेंगे ऐसा दो वरदान साई प्रेम से जपते रहो ना ऐसा दो वरदान साई प्रेम से जपते रहो ना साई गुरुदेवा साई गुरुदेवा साई साई जपते जपते साई जपते जपते चलते ही जाएंगे जब तक तन में प्राण 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 ऐसा दो वरदान साई प्रेम जपते रहो ना साई राम जय साई राम 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 ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ